सुन रहे हो? मुझे बहुत डर लग रहा है भाई, वो भूलभुलैया फिल्म जैसा फील आ रहा है। पता नहीं, चलो कुछ भी हो सकता है। एंड व्हाट इज दिस प्लेस? और अभी बज रहे सुबह के 5 और हम लोग निकल चुके हैं घर से। गाइस दिस इज रुद्राक्ष एंड यू आर वाचिंग द रोस्टर सिल्चर। आज का सीन कुछ ऐसा है गाइस, आज हम लोग जाने वाले हैं कूचबिहार राजा का राजमहल, जो कि टाइटल थंबनेल में साफ साफ लिखा हुआ है। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है, अभी हम घर और फिलहाल हम निकल रहे हैं कूचबिहार के राजा के महल की तरफ, जहाँ राजा रहते थे और इधर के पब्लिक को सताते थे। चलिए आगे बढ़ते। तो गाइस अभी बज रहे सुबह के 5 और हम लोग निकल चुके घर से राजमहल की तरफ। आप लोग थोड़ा स्ट्रेंज हो सकते हो कि हम लोग 5 बजे कैसे निकले, पर ये कूचबिहार जो एरिया है ना, इधर लोग 5 बजे ही उठ जाते हैं। इधर का सीन सब देखिए, मतलब लोग दिख रहे हैं। तो गाइस सुबह का राइड तो बहुत ही मज़ा आता है, उसके साथ इधर का एक वेदर, फिर एक अलग ही वाइब्स आता है, मतलब क्या कहे, कतई बहुत अच्छा लग रहा है निकल के। सो बेसिकली ये एक हाईवे रोड है, मतलब वेस्ट बंगाल का हाईवे रोड है। तो इधर से हम पास हो रहे हैं, मतलब इधर से हम जाएंगे राजबाड़ी, तो वो हमारे घर से करीब 70 किलोमीटर दूर है। तो थोड़ा सुबह सुबह निकल गए, करीब 2 घंटे लगेंगे उधर पहुँचने। सो मेरे साथ आप लोग राइड का मज़ा लीजिए और सीधा हम लोग जा रहे हैं कूचबिहार राजमहल की तरफ। अरे इधर तो पेट्रोल है। अरे गाइस करीब 1 किलोमीटर पहले हमारा, मतलब कार का फ्यूल ख़त्म हो गया था, तो हमने पहचान वाला एक फ्रेंड को बुला लिया है। तो मतलब ये ऐसा हुआ, हमें लगा कि पेट्रोल ख़त्म होगा या फिर बंद होगा, तो अभी देखता हूँ तो खुला है। फिलहाल तो वैन में पेट्रोल है, फिर भी रिस्क नहीं लेना क्योंकि पहले भी एक इंसिडेंट हो चुका है, तो अभी फिर से पेट्रोल भरवा लेते हैं। तो गाइस ये है राजमहल का ग्रैंड गेट और इधर का क्या सीन है भाई। और इधर का हरी भरी घास है, मतलब मूड रिफ्रेश हो गया। मेरे ढोले ना सुन भाई, क्या फील आ रहा है इधर का, मतलब पूरा एकदम हॉन्टेड हाउस भी थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है, मिस्ट्रियस प्लेस है ये। दिन को तो टूरिस्ट प्लेस है, पर रात को भाई मिस्ट्रियस प्लेस। और भाई कितना भरा एरिया है इधर, मतलब मुझे लग रहा है मेरा पूरा सोसाइटी बस जाएगा इस पर। गाइस अभी हम अंदर एंटर कर रहे हैं, चलिए। And finally we are here. Guys, guys, guys. मतलब क्या बोले, मतलब guys ये heaven है, heaven.
और इधर कुछ हिस्ट्रिकल इमेजेस है, आप लोग देख ही सकते हैं। तो इधर के जो किंग थे ना, वो हंटिंग के लिए बहुत फेमस थे और वो हंटिंग बहुत ही पसंद करते थे। इधर आप देख ही सकते हो, ये हाथी का मतलब सर का हड्डी हो गया। इधर पहले ये कटा हुआ सिर था। एंड इधर कुछ राजा लोगों का कुछ चीज़ें हैं जो वो लोग यूज़ करते थे। एंड हियर आर सम इंग्लिश रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स। ये राजा लोग भी बहुत मतलब ग्रेजुएटेड होंगे शायद। सो गाइस, राजबाड़ी में आए और कुछ उल्टा सीधा ना करे ऐसा तो नहीं हो सकता। साथ में ड्रोन भी लाए। इधर का सीन्स आप चेक कीजिए गाइस। सो गाइस, फाइनली वी आर हियर। अभी हम लोग आ चुके हैं राजमहल के अंदर। तो फिलहाल हम लोग थोड़ा घूम फिर लेते हैं और आप लोग सिनेमेटिक्स जरूर ही देखें। और ये है कॉर्नर का ड्रोन व्यू। भाई साहब क्या सीन है, ग्रीन ग्रीन ग्रास भाई। सो इधर हम लोग तो गाइस वीडियोग्राफी म्यूजियम के अंदर प्रोहिबिटेड है, इसलिए हम लोग पिक्चर्स ही ले लिए इधर से।
ये कुछ हथियार जो कि राजा लोग यूज करते थे, मतलब ये एकदम फिल्म जैसा सीन है, पुराना फिल्म जो कि राजा के रिलेटेड बनाते थे, मतलब वैसा ही कुछ सीन है। और इधर है कुछ आदिम काल के भगवान के मूर्ति, ये भी आप देख लीजिए, बहुत ही मतलब पुराना चीज़ है, इधर अच्छा ही लग रहा है। तो गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा है, अभी हम लोग आ चुके हैं राजबाड़ी के अंदर, और इधर बहुत जगह ही मतलब अंदर मत घुसो, ये मत करो, प्रवेश निषेध, ये सब है, सुन रहे हो? मुझे बहुत डर लग रहा है भाई, वो बुलबुल फिल्म जैसा फील आ रहा है, पता नहीं, चलो कुछ भी हो सकता है। सो फिलहाल हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई बहुत बड़ा है ये राजमहल, मतलब बुलबुल टाइप का है, क्या बोले वो, चलो आगे चलते रहते हैं। और ये देखिए इधर का सीन देखिए, ये बना है अंबुजा सीमेंट से। So guys, with this we have come to an end. Hope you will like it. Do like and subscribe our channel. This is Rudraksh logging out from the Roadstar Silchar.